हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नरगिस वालिया चैनल। इस वीडियो में हम आपको फ्लिपकार्ट की जो स्प्लिट एसी है मार्क बाय फ्लिपकार्ट, जो फ्लिपकार्ट में ही आपको अवेलेबल होगी, उसका रिव्यू देने वाले हैं। रिसेंटली हमने इसे परचेस किया है, तो ये स्प्लिट एसी है 5 स्टार BEE रेटिंग्स के साथ, और इसका प्राइस हमें पड़ा है, 1 टन की एसी है ये, 26,000 इसका हमें रेट पड़ा है। आपको इसको इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं। इसके फीचर्स के बारे में बता देते हैं, फिर मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन की सारे रूल्स और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। तो ये 5 स्टार एसी है, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारी एसी अवेलेबल है जो कि 1 टन में आपको अवेलेबल होगी 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार के साथ। लेकिन मैं उसमें डिफरेंस क्या है और हमने ये क्यों चूज़ किया, इसका ये रीज़न है कि देखिए फीचर्स ऑलमोस्ट सेम थे फर्स्टली, सेकेंड इसके रेटिंग्स अच्छे थे, जिन्होंने ख़रीदा उनके रेटिंग्स बहुत अच्छे थे, और जो मार्केट्स में अवेलेबल है उनके प्राइसेस प्लस 30,000 ऑलमोस्ट से स्टार्ट है। तो इस अब हमने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, तो हम इसका रिव्यू दे देते हैं कि इसमें आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं और क्या चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। तो इसमें ये एक आउटडोर एक इनडोर यूनिट आपको इसमें मिलेगा, इस एसी में, जैसे हर स्प्लिट एसी में मिलता है, एक आउटडोर एक इंडोर यूनिट, और इसमें एक रिमोट कंट्रोल मिलने वाला है आपको। इंटरप्शन बहुत कम लगता है, ऑटो रीस्टार्ट इसमें है, जैसे कि अगर पावर कट हो गया आपका एसी जहां से स्टॉप हुआ है वहीं से रीस्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ये इसमें मिल रहा है फीचर। स्लीप मोड है, ऑटो एडजस्ट मोड है, जैसे कि सारे स्प्लिट एसी में मिलते हैं आपको। ओके, तो इंस्टॉलेशन हो चुकी है हमारे एसी की, तो 1600 चार्जेस हमने पे किए हैं इंस्टॉल करने के लिए, एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस हमें नहीं लगे हैं। बाकी चीज़ें जो नहीं लगती, लेकिन उन लोगों ने कहा था लगेगी, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। इस एसी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो वॉइस है वो बहुत कम है, मतलब कुछ एसी है जिनमें बहुत आवाज़ आती है चालू होने के बाद, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऑन करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी आवाज़ इसमें नहीं आने वाली है, और इसमें पैनल डिस्प्ले दिया हुआ है, स्लीप मोड वगैरह सारी चीज़ें सारी फीचर्स दी हुई है इसमें। उसके बाद इसमें कूलिंग इसका 10-12 मिनट्स में पूरा रूम बहुत अच्छे से ठंडा हो जाता है। छोटा रूम है, अगर ज़्यादा बड़ा रूम है तो 1.5 टन की एसी लगेगी आपको। 100 स्क्वायर फुट से अगर आपका जो रूम है ज़्यादा है तो आपको 1.5 टन की एसी लगने वाली है। ये 1 टन की है, 26,000 रुपीज़ हमने इसके लिए पे किए हैं। 1 साल की वारंटी आपको एसी में मिल रही है, 5 साल की वारंटी आपको मिल रही है कंप्रेसर में। कंप्रेसर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये माउंट हो चुका है। तो वायर्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इसके लिए अलग से मंगाई नहीं थी, इसमें पाइप वगैरह दिया हुआ था। जो अलग से मंगाया है वो ये है, जो ये बॉक्स आएगा वो आपको पहले से परचेस करके रखना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ें आपको इलेक्ट्रिशियन लगा के जाएगा, जो इंस्टॉल करने के लिए आएगा वो सिर्फ एसी लगा के जाएगा आपका। और अगर आपको जो वॉल माउंट के लिए लगता है कंप्रेसर का, वो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप बाहर से या ऑनलाइन पहले से ही परचेस करके रखिए। छत है आपके में कोई भी ऐसी चीज़ है तो छत में आपको वॉल माउंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसमें हम बहुत लोगों ने ये कंप्लेन की थी, मैंने देखा है कि वो लोग अलग से चार्जेस मांग रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन्वर्टर लगेगा मैम, ये लगेगा मैम, पाइप अलग से लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमने एक भी रुपए इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किए। इन्वर्टर नहीं लगने वाला है, ये मेंशन है वहाँ पे। अगर आपके एरिया में इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप बाद में करवाइए। इनसे अगर आप इंस्टॉल करवा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, पहला तो ये एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, दूसरा अगर आप इनसे मंगवा रहे हैं कोई भी चीज़ें तो 200-400 बढ़ा के आपको ये बिल देने वाले हैं। तो आप अपने से ही अगर इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो खरीदिए, ये डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। वैसे तो इसमें इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं लगने वाली है। मैं आपको कंप्रेसर भी दिखा देती हूँ। तो ये एसी का आउटडोर यूनिट है, हमने पहले इंस्टॉल करवा लिया है, तो आप देख रहे हैं इसमें कोई भी वॉल माउंट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वो लोग आते हैं इंस्टॉल करने और उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि वॉल माउंट लगा लीजिए, छेदा करना पड़ेगा, छत में होल होगा, ऐसा वैसा। तो अगर आप, मैं पहले बता दूँ, रेंट में रह रहे हैं और आपको वॉल में अगर आपको होल नहीं कराने दिया जा रहा है तो ही आप वॉल माउंट खरीदिए। उसमें भी मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि इन लोगों से परचेस कीजिए, आप बाहर से ऑनलाइन से पहले परचेस करके रखिए। ऑलरेडी इंस्टॉलेशन की कॉल आने से पहले ही आप ये सारी चीज़ें मंगवा लीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना देना पड़े। पाइप है इसका, क्योंकि हमारा पाइप बाहर से होते हुए दूर से गया है तो उनका कहना था कि इसकी पाइप ही लगेगी मैम, आपको 400-600 रुपीज़ चार्ज करने पड़ेंगे।
हमने बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनी और हमने कहा कि हमारा जो वेस्ट पाइप है उसे आप ऐड कीजिए, उसे बांध दीजिए, उसके बाद हम इसमें से काम चला लेंगे। क्यों? क्योंकि पाइप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बाहर वेस्ट पाइप रहती है, जो इसका वेस्ट पानी निकलने का जगह रहता है, उसके लिए भी आपको वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि छोटा आता है थोड़ा पाइप, अगर आपका जो पानी जाने का जगह आसपास नहीं है, दूर है, तो आप अपने जो पहले जो वेस्ट पाइप है उसे बांध सकते हैं उससे, या तो आप सेलो टेप से या तो किसी रस्सी से उसे अटैच कर दीजिए, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं तो वो 4,000-6,000 के अराउंड आपका बिल बना के देंगे। उसके बाद आप बाद में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मार्केट में बहुत कम प्राइस में अवेलेबल होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हमने एक भी रुपए इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिए हैं। हाँ, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे उसका बॉक्स फिट करने के लिए, उसके लिए लगेगा। तो जो रिमोट इसके साथ आपको मिला है वो ये है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं टाइमर, डिस्प्ले, स्लीप, सारे फंक्शंस, स्विंग्स के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, टर्बो ऑप्शंस। और इस एसी में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें इतनी वॉइस नहीं आती है। मैं इससे पहले जो रिकॉर्ड कर रही थी उसमें एसी ऑन थी, वॉइस की ज़रा भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे ऑन करके तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरी एलजी की पहले एसी थी, उसमें थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम थी कि वो चालू होते ही इसमें कैमरे में आवाज़ आने लगती थी। इसके बाद इसमें ये 5-star एसी है, डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, तो इसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लगता है। इसके बाद आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपके एरिया का इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो आपको इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप अलग से लगवाइए। इसके बाद इस एसी को अगर आप चाहते हैं कि छोटे रूम में ठंडा करें तो ये 10-12 मिनट तक ठंडा कर लेता है बहुत ही अच्छे से। कोई भी क्वेश्चंस हो आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।